नमस्कार दोस्तों, स्वागत है सोमेश बाली जी के और एक हेल्थ कंसर्न वीडियो में। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अपेंडिक्स के बारे में, अपेंडिसाइटिस के बारे में। अपेंडिक्स क्या चीज़ है, अपेंडिसाइटिस क्या चीज़ है, अपेंडिसाइटिस का सिम्टम्स क्या है, अपेंडिसाइटिस का ट्रीटमेंट क्या है और अपेंडिसाइटिस से कैसे बचना है, इस सारे क्वेश्चन के जवाब इस वीडियो में आपको मिलेगा। और यहाँ पे मेरे सामने मेरा फ्रेंड लोबो, जिसको बहुत दिन के बाद मैंने वीडियो में इंट्रोड्यूस किया, पहले वीडियो बना था तो इसको लेकर। तो आज बात करेंगे यहाँ पर इस पर्टिकुलर टॉर्सो मॉडल से कि अपेंडिक्स किस जगह पे बॉडी में मौजूद होता है और किस हिसाब से आपको ट्रीटमेंट करना चाहिए। देखो, अपेंडिक्स बॉडी का एक ऐसा ऑर्गन है जो शायद कुछ बहुत हजारों साल पहले यूज हुआ होगा या फिर हुआ था। अभी पर्टिकुलरली अपेंडिक्स की बॉडी में डायरेक्टली कोई रोल तो नहीं है, हालांकि नया नया रिसर्च बता रहा है कि अपेंडिक्स का फिर भी कुछ ना कुछ रोल बॉडी में मौजूद होता है, जिसके कारण अपेंडिक्स बॉडी में मौजूद है। अपेंडिक्स कहाँ पर होता है बॉडी में, आप देखो ये इसका जो मॉडल है, इस मॉडल का नज़दीक से देखें तो बेसिकली ये प्लेट को मैं हटा देता हूँ, यहाँ से आपको देखने को लगेगा ये लंग्स है। इसको छोड़ दो, यहाँ से लंग्स को भी मैं हटा देता हूँ, इसके अंदर का सिस्टम्स आ गया, यहाँ पर हार्ट दिखने लगेगा। यहाँ से आप देखो कि ये होता है माउथ, ठीक है, माउथ से खाना जाएगा, खाना अंदर से होता हुआ नीचे की तरफ से स्टोमक में आएगा। ये लीवर है, लीवर को लीवर यहाँ पे रहने दो, ये स्टोमक, स्टोमक में खाना आता है, खाना यहाँ पे डाइजेशन होता है, प्रोटीन डाइजेशन स्टोमक में स्टार्ट होता है। जब ये स्टार्ट होते होते खाना धीरे धीरे आ जाता है छोटी आंत, स्मॉल इंटेस्टाइन, ये जो पोर्शन है ना, ये स्मॉल इंटेस्टाइन, ये स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन से खाना होते हुए जाता है लार्ज इंटेस्टाइन, ये है लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक है। अब लार्ज इंटेस्टाइन को अगर ठीक से आप देखो, यहाँ पर देखो लार्ज इंटेस्टाइन की ठीक से, तो यहाँ पर नीचे की तरफ ये जो अगर आपकी बॉडी है तो इसके दाएं साइड पे, राइट साइड, लोअर राइट एब्डोमेन बोलते हैं हम, ये एब्डोमेन, ये अपर एब्डोमेन, ये है लोअर एब्डोमेन, लोअर एब्डोमेन में लोअर राइट एब्डोमेन, यहाँ पे देखो ये एरिया होता है अपेंडिक्स, यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ इस चीज को निकाल के। चलो निकाल लिया, स्टोमक को भी निकाल देते हैं। तो यहाँ पर अगर आप देखो, ये लाइट कलर का छोटी आंत, ये डार्क कलर का बड़ी आंत, और यहाँ पर अगर आप एक चीज़ देखें तो अपेंडिक्स क्या है, यहाँ पे ये होता है अपेंडिक्स, यहाँ पे अपेंडिक्स मौजूद है, ठीक है। यहाँ पे मैं खोल के आपको दिखा दूँ, ये एरिया है अपेंडिक्स, ठीक है, ये अपेंडिक्स होता है, ठीक है, ऐसा एक स्ट्रक्चर यहाँ पर, ये अपेंडिक्स है, ठीक है। अब बात क्या होता है अपेंडिक्स में, कि ये लोअर राइट, लोअर राइट एब्डोमेन का एक हिस्सा है, ठीक है, नीचे दाएं साइड पे होता है। तो यहाँ पे अभी बोला जाता है कि इसका फंक्शन क्या चल रहा है अपेंडिक्स का, इसका फंक्शन ये चलता है कि यहाँ पर बहुत सारे बैक्टीरिया स्टोर रहता है, गट बैक्टीरिया, जो कि अच्छे बैक्टीरिया कहा जाता है जिसको, और ये गट का जो बैक्टीरिया, ये अगर ना होता है तो ठीक से फिकल कंपैक्शन नहीं होगा, मतलब ठीक से आपके बावल जो है कंपैक्ट नहीं होगा, ठीक है, डायरिया हो जाएगा, ये सारे प्रॉब्लम्स रहेंगे। तो बहुत सारे महत्वपूर्ण अच्छे बैक्टीरिया वहाँ पर रहता है और ये अपेंडिक्स में नॉर्मली मौजूद होता है। अब बात यह है कि अपेंडिक्स का थोड़ा बहुत है तो एक्सटेंडेड स्ट्रक्चर, थोड़ा एक्सटेंड, ऐसे एक्सटेंड करके रखा होता है यहाँ पर। अब डायरेक्टली तो कोई रोल नहीं है, अब मगर क्या होता है ना कि अगर इस जगह में बाहर से कोई ऐसा बैक्टीरिया आ जाता है खाने से या फिर कोई भी तरीके से जो कि अच्छा बैक्टीरिया नहीं है, तो वो क्या करेगा, वो बेसिकली इसके अंदर पहुंचेगा और इस जगह पे इन्फेक्शन फैलाएगा। इन्फेक्शन अगर कर देता है तो जगह में सूजन आ जाएगा, सूजन आने के कारण क्या होगा, ये जगह सूजन से ऐसे एक्सटेंड हो जाएगा। जब भी सूजन यहाँ पे आ जाएगा, मैं यहाँ पे फिट करके फिर से दिखाता हूँ, ऐसे रहेगा ये, सूजन यहाँ पे आ जाएगा तो आपको बहुत दर्द होगा, कहाँ दर्द होगा, यहाँ लोअर राइट एब्डोमेन, आपके लोअर राइट, ठीक है, लोअर राइट एब्डोमेन में बहुत ही पेन होगा, यहाँ पर बहुत ज़्यादा दर्द होता है, बहुत ज़्यादा दर्द होने के कारण आपको क्या होगा, आपको बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी होगा किसी भी तरीके का, आप जब बाथरूम जाओगे, टॉयलेट जाओगे, बाल मूवमेंट होगा, तब देखेंगे दर्द कम होने लगेगा धीरे धीरे। मगर जब भी आप स्टोर करके रखेंगे बाल कुछ देर के लिए, वहाँ पे आपका स्टोर करके रखा स्टूल, तो बहुत ज़्यादा दर्द होने लगेगा। ये सिम्टम है अपेंडिसाइटिस की। तो अपेंडिसाइटिस मतलब लोअर राइट एब्डोमेन में बहुत दर्द होता है, ये एक सिम्टम है। दूसरा सिम्टम है, आप जब भी जाओगे फॉर बाइल मूवमेंट आफ्टर पासिंग स्टूल, ये पेन जो है, दर्द धीरे धीरे कम होने लगेगा। और एक सिम्टम रहेंगे कि आप ना, आपको
ठीक ठाक से आपका जो है रेगुलरली बाल मूवमेंट नहीं होगा, स्टूल पास ठीक ठाक से नहीं होगा, एयर गैस पास भी ठीक ठाक से नहीं होगा, स्टूल नहीं होना पड़ेगा, कॉन्स्टिपेटेड हो जाओगे आप, और जब भी कॉन्स्टिपेशन बढ़ता रहेगा, एक दिन नहीं हुआ, दो दिन नहीं हुआ, तीन दिन नहीं हुआ, दर्द उतना ही बढ़ता रहेगा। ये ट्रेडिशनल ट्रेडमार्क है अपेंडिसाइटिस की। तो अगर किसी इंसान को ठीक ठाक से स्टूल हो रहा है और फिर भी राइट लोअर राइट एब्डोमेन में प्रॉब्लम है, दूसरी बात है, पर अपेंडिसाइटिस में प्राइमरली ये दर्द होना, उसके साथ साथ बाइल मूवमेंट ठीक ठाक नहीं होना, कॉन्स्टिपेशन होना बहुत ही कॉमन रहेगा। और क्या होगा, ये दर्द होने के साथ साथ बाकी के डाइजेशन में भी आपके प्रॉब्लम होंगे, जैसे कि आपकी इनडाइजेशन बढ़ जाएगा, आप कुछ खा रहे हो तो आपको ऐसा लगेगा उल्टी आ रहा है, उल्टी आने की चांसेस बढ़ जाएगी। उसके साथ साथ आपको क्या होगा, आपको कोई भी खाना आप खा रहे हो हजम ठीक से नहीं होगा, खाना भूख ही नहीं लगेगा आपको। तो ये सारे सिम्टम्स है अपेंडिसाइटिस के सिम्टम्स। अब डायग्नोसिस, कैसे अपेंडिसाइटिस को डायग्नोसिस करना है, कैसे आपको पता चलेगा कि आपको अपेंडिसाइटिस हुआ या नहीं, उसके लिए सिंपल सी ट्रीटमेंट। देखो पहले बात तो है, आपका सिम्टम्स ही पता चल जाएगा डॉक्टर को आपको 80% की अपेंडिसाइटिस है या नहीं, मगर उसके साथ साथ कुछ कुछ और बीमारी जैसे IBS IBD में भी ऐसा सिमिलर प्रॉब्लम होता है। तो इसके लिए दो और टेस्ट रहेगा, एक तो USG अल्ट्रासोनोग्राफी ऑफ द लोअर एब्डोमेन, लोअर एब्डोमेन का अल्ट्रासाउंड करना पड़ेगा। लोअर एब्डोमेन का अल्ट्रासाउंड जब आप करेंगे वहाँ पे पता चल जाएगा कि ठीक ठाक अपेंडिक्स है या नहीं। मगर यहाँ पे बहुत से पेशेंट के ऐसा होता है कि गैस इतना ज़्यादा रहता है कि लोअर एब्डोमेन में कि ठीक ठाक से अपेंडिक्स को दिखता ही नहीं, तो ये एक दिक्कत है, USG के एक ड्रॉबैक है। उसके अलावा और एक कन्फर्मेटरी टेस्ट हो सकता है जो कि है आपका कोलोनोस्कोपी, जहाँ से कोलोनोस्कोप इंसर्ट कर दिया जाएगा आपके रेक्टम के थ्रू और धीरे धीरे इसके अंदर के लिया के देख पाएंगे कि अपेंडिक्स ठीक ठाक या नहीं। अगर अपेंडिक्स से सूजन है तो कोलोनोस्कोप वहाँ पे इंसर्ट ही नहीं कर पाएंगे, इतना दर्द होगा आपको। तो वहाँ पे एडवाइज है कि आपको जनरल एनेस्थेसिया करके ही कोलोनोस्कोपी किया जाए। जनरली USG से पता चल जाता है कि आप में अपेंडिसाइटिस है या नहीं, यूजी से बहुत अच्छे से पता चलता है। अगर एक बार USG से पता नहीं चला, अगर रिपोर्ट में लिखा आता है कि फॉर गैस इफ अपेंडिक्स इज नॉट विजिबल, तो वहाँ पे जाके आपको दो तीन बार कर लो, क्योंकि यहाँ पे कोई भी आपको वैसा दर्द महसूस नहीं होगा, क्योंकि कोलोनोस्कोपी अगर विदाउट एनेस्थेसिया आप करोगे फॉर अपेंडिसाइटिस तो वहाँ पे दर्द हो सकता है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि USG से पता चलता है अच्छे से, USG एक बार में नहीं पता चल रहा है तो आप गैस निकाल के ठीक उसके बाद जाके करने की कोशिश करो, उसे पता चल जाएगा कि हो रहा है या नहीं। अगर नहीं होता है तो कन्फर्मेटरी टेस्ट हिसाब से आप कोलोनोस्कोपी कर सकते हो, तो दोनों हिसाब से पहचान हो जाएगा, एकदम कन्फर्म हो जाएगा कि अपेंडिसाइटिस है या नहीं। अभी बात करते हैं अपेंडिसाइटिस अगर आपको हो चुका है तो क्या करना है। अगर आपको अपेंडिसाइटिस हो चुका है तो वहां पे आपके मेडिसिन से अपेंडिसाइटिस को ठीक नहीं कर सकते, क्योंकि ये एक अपेंडिक्स एक अलग से स्ट्रक्चर है और ये काम नहीं आता, हम जानते हैं। क्या करेंगे, बेसिकली इस पार्ट को ना काट के यहाँ से फेंक देंगे, निकाल देंगे, तो इसको अपेंडेक्टोमी बोलते हैं। अपेंडेक्टोमी मतलब अपेंडिक्स को काट के निकाल देना, इससे आपका जो प्रॉब्लम हो हमेशा के लिए ठीक हो जाएगा, क्योंकि अपेंडिक्स रहेगा ही नहीं तो फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम होने के चांस रहेगा नहीं। मगर इस पेन को, दर्द को घटाने के लिए पेन किलर्स दिया जाता है, कुछ कुछ मेडिसिन दिया जाता है जिससे कि दर्द कम हो जाए, क्योंकि बहुत ही दर्द होता है एक टाइम के बाद, ऐसा लगता है कि बस्ट हो जाएगा। तो उसके साथ साथ क्या हो जाता है, उसके साथ कुछ ट्रीटमेंट है, सर्जरी से पहले कुछ एंटीबायोटिक्स भी दिया जाता है ताकि यहाँ का इन्फेक्शन जो है थोड़ा बहुत कम हो जाए, ताकि सर्जरी के टाइम पे कुछ प्रॉब्लम ना हो। तो एंटीबायोटिक्स सर्जरी से पहले दिया जाता है और पेन किलर्स दिया जाता है ताकि आप मैनेजेबल रहो, उसके बाद डेट निकाल के सर्जरी करवा लो। और बहुत ही सिंपल सी सर्जरी होता है, क्योंकि बाहर से लैप्रोस्कोपिक सर्जरी होता है, ऐसे छोटे छोटे होल किया होता है, होल के जरिए कैमरा और उसके साथ जो है सीजर फॉर्सेप ये सब अंदर इंसर्ट करके अपेंडिक्स को काट के निकाल दिया जाता है, और छोटे छोटे तीन चार होल होंगे, बस वही होंगे, उसके बाद कुछ नहीं होगा, उसको सील कर दिया जाएगा और वो ऑटो हील होता है। जनरली विद इन अ वीक, एक हफ्ते में ठीक हो जाता है। अगर बहुत ज़्यादा फैल जाता है इन्फेक्शन तो कभी कभी कॉम्प्लिकेशन है तो लैप्रोस्कोपिक सर्जरी नहीं हो सकता है, तब उसको ओपन सर्जरी करना पड़ता है, और ओपन सर्जरी होता है तो हील होने में 3-4 महीने लग सकता है। ठीक है, यही बात होता है अपेंडिसाइटिस के बारे में। और अगर आप अपेंडिक्स से बचना चाहते हो तो अपेंडिक्स से बचने का वैसा तो पहले से आप कैसे आपको पता चलेगा क्या चल रहा है, जनरली फूड इन्फेक्शन, फूड बॉर्न होता है कुछ कुछ डिजीज़, क्योंकि वो जो बैक्टीरिया जहाँ वो वहाँ पे आके वो स्टोर होगा, इन्फेक्शन करेगा। कब करता है, अगर आप ऐसे कुछ खाना खा रहे हो जैसे कि इन्फेक्शन बाहर बड़े आँख में बहुत दिनों से हो रहा है मगर ठीक से आप ट्रीट नहीं करवा रहे हो, तब हो सकता है।
अदरवाइज कुछ कुछ केसेस में बर्थ डिफेक्ट्स, जन्म के साथ साथ अपेंडिक्स में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम रहता है तो उनमें ये प्रॉब्लम होते हैं, अदरवाइज नहीं होते हैं। मगर अपेंडिसाइटिस इज टोटली क्यूरेबल, अगर आपको हुआ है बिल्कुल ठीक कर सकते हो, जड़ से ठीक कर सकते हो। सर्जरी से डरो मत, बहुत ही कॉमन आम सर्जरी है, हो जाएगा विद इन अ वीक आप ठीक हो जाओगे। मैक्सिमम केसेस में लैप्रोस्कोपिक सर्जरी होगा, ठीक है। ये बात होता है अपेंडिसाइटिस के डिटेल्स। अगर अपेंडिक्स रिलेटेड ये वीडियो आपको अच्छे लगे, पसंद है, तो वीडियो को लाइक जरूर करना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, कलीग के साथ, और सब्सक्राइब करना इस चैनल को ताकि ऐसे वीडियो आपको मिलता रहे। थैंक यू।